Hello students, let's see this question. The question says correct order of EA in group 16. Group 16 में जो correct order है EA का वो आपको बताना है. EA होता है electron affinity. Electron affinity वो amount of energy involved होती है जब आप एक isolated neutral gaseous atom के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो, ठीक है, उसकी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो. सो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी. अब ये जो एनर्जी है समटाइम्स आपको प्रोवाइड भी करवानी पड़ जाती है क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो जिस शेल में जा रहा है तो वहां पे साइज छोटा हो सकता है मे बी उसका, या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफी ज्यादा हो सकती है, तो उनको ओवरकम करवाने के लिए आपको खुद से एनर्जी भी रिलीज करवानी देनी पड़ जाती है. ठीक है, इस वजह से मैंने इन्वॉल्व कहा. तो ग्रुप नंबर जो 16 है उसमें एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. ठीक है, पोलोनियम की बात नहीं कर लेते, रेडियो एक्टिव है, हम इन चारों की बात करते हैं. तो डाउन का ग्रुप अगर हम जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है. इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगी किसको, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज को, जिस वजह से साइज बड़ा हो जाता है. ठीक है, तो अगर साइज बड़ा हो रहा है तो टेल्यूरियम की वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस का इतना अच्छा होल्ड नहीं होगा. ठीक है, बट ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होंगे, कम होंगे. तो यहाँ पे दोनों चीजें हम देखेंगे. सो देखने के लिए क्या मिलता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है, होल्ड अच्छा होगा न्यूक्लियस का, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अच्छे से वेलकम करेगा, तो सबसे ज्यादा ये ऑक्सीजन में आना चाहिए. बट नहीं, ऑक्सीजन में ये सबसे कम होता है. क्यों? क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है. ऑर्बिटल जो है 2p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, उसका साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है और इस वजह से जो प्रोसेस होता है वो आपका फेवरेबल नहीं हो पाता. ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है. सो ऑक्सीजन के लिए ये जो वैल्यू होती है सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा सल्फर के लिए होती है क्योंकि साइज यहाँ पर क्या होता है, एक परफेक्ट साइज होता है. ठीक है, साइज भी परफेक्ट है आटम का और उसके ऑर्बिटल का साइज भी परफेक्ट है. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी देखें तो इस तरीके से सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन दे रही है. तो सबसे ज्यादा ये की वैल्यू सल्फर के लिए होती है, देन सेलेनियम के लिए, और उसके बाद टेल्यूरियम के लिए, सबसे कम ऑक्सीजन के लिए होती है. सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.